बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में होंगे, और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हूँ। तो जी, सबसे पहले आपको करना है क्या, आगे वीडियो देखने से पहले मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जी, मैं और मुनीरा जो है अकेले अकेले आए हैं ब्रेकफास्ट करने, नाश्ता करने, काकर का परोठा खाने। मुनीरा, चीज वाला आलू द पराठा। और ये दोपहर का टाइम है और हम बच्चों को लेकर आ गए हैं कराची गार्डन जू पार्क में, क्योंकि इनके अब्बा जो हैं वो काम पर हैं, दोनों यहाँ नहीं हैं, आउट ऑफ सिटी हैं। तो इसीलिए मैं और मुनीरा ने सोचा बच्चों को बोर नहीं होने देना है, बच्चों की जो है आज छुट्टी है, स्कूल की ऑफ है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं लेके जाएंगे। तो हमारे घर के पास ही है गार्डन जू, और यहाँ हम आ गए एलिफेंट के पास। कितने दो? इतने वहां पर दिए थे। ले ली चाची के हाथ में टिकट, दो और चले जाए बैठे। चलो भाई, हम वेटिंग में बैठे हुए हैं और हमको कह दिया वेटिंग के लिए कि यहाँ पे हाँ स्पेस नहीं है ट्रेन में, दूसरी पीछे ही आ रही है ना। ना तो पाउडा शुरू करना सी ना, लेकिन बहुत रे जगह मारते हो। देखेंगे, चलो मुमताज बेगम को भी देख लेंगे। देखो इनके घोड़ा, फल, औसत घास, अनाज, अंडों की तादाद 20 से 22 होती है। वही लो
यहाँ पे जो है वो एक्सपायर एनिमल को मसाला लगा कर रखते हैं जिनकी डेथ हो एक्सपायर हो चुकी होती है और ये ओरिजिनल असल है। हाँ नहीं पता घर। सब जगह बहुत ज्यादा क्राउड था और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी तो बच्चों ने जो है वो बोर हो चुके थे और राइड्स में भी जगह नहीं थी, बहुत रश था 23 मार्च होने की वजह से। तो हमने कहा बच्चों को चलें बाउंसिंग में ही चले जाएं और ये बाउंसिंग वाले भाई हमारे जानने वाले थे तो इसीलिए बस हमने बाउंसिंग ली और थोड़ा देखा। आज के लिए इतना ही, बहुत इंजॉय किया। तो बहुत ज्यादा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।